तरीके से इन्होंने हमारे सारे प्रॉब्लम लोगों को बताए हैं और उस वजह से अथॉरिटी को ये डर लगा है कि जो इनके साथ नाइंसाफी हुई है वो नाइंसाफी नहीं ठीक करेंगे तो 200 आदमियों का जिंदगी खतरे में पड़ जाएगा। आज मनोहर जी को यहाँ बुलाने का सेल्फ रिडेवलपमेंट रूल समझाने का एक कारण ये भी है कि मनोहर जी के साथ में आप कम से कम 1.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ, अर्षद के साथ हम लोग 5 साल से काम कर रहे हैं। मनोहर जी की मेरे से काफी बड़ी नाराजगी है कि 79A आप क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैं उनको काफी टाइम बता चुका हूँ कि भाई मेरे मेंबर को नहीं चाहिए कि हम 79A में सेल्फ में जाए और उस वजह से मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेंबर लोगों की प्रॉपर्टी है, जो मेंबर बोलेंगे वही होगा। तो उन्होंने बोला था मुझे एक बार चांस दीजिए, मैं बात करके देखता हूँ। तो हियर ही इज टुडे, आपके जो भी क्वेश्चन है एक बार, इन्होंने कोई फॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं लाया है बट वो आपको डिफरेंस समझाएंगे। इनके पास कम से कम 45 ईयर्स का वर्क एक्स है तो उस वजह से वो आपको क्लियर कट बताएंगे क्या मार्केट है, रूल क्या है और कैसे काम होता है। सर थैंक यू वेरी मच। I will prefer to stand only because I am a young man of 79 years. So I am happy here to see you and Mike will be going. Volume. Hello. Hello. So I am here to see you. Sabko namaskar. Namaskar. Udhar pakadne ke barobar. इसलिए इधर आया हूँ कि हमारे दोस्त कंपेट अच्छा आदमी है बाय नेचर, इन ऑल रिस्पेक्ट। तो मुझे आपसे कहना ये है कि सिर्फ अच्छा आदमी होने से कुछ काम नहीं बनता है, अगर आप खड़ूस नहीं है तो कुछ काम बनने वाला नहीं है। इनका मेरा पहचान और इनका ये जब बात हो गया तो हमने बेसिक आई एम फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो कुछ चलता है इज द मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट, तो वहाँ पैसे बिगड़ कुछ नहीं होता है और आज का पैसा कल कामपुर में जाएगा तो कल का पैसा अलग होता है। एनी हो, अपन इसके लिए इसमें डीप में जाना जरूर नहीं है। सवाल है सेल्फ डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट, बिल्डर डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रॉब्लम ये है और अच्छी बात भी ये है कि आप बोरोली हार्ट ऑफ द सिटी में स्टेशन से नजदीक सब सुविधा से अच्छा, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन आपका जमीन, आपने जो फ्लैट लिया, आपने जो घर लिया, ये बिल्डिंग 1973-74 इस साल में बना है, इसमें से आपके जो दोनों या तीनों जो डेवलपर है मैं जानता हूँ उनको, मैं इनका भी काम कर रहा हूँ। सवाल ये है कि जब अपन रीडेवलपमेंट में जाता है या सेल्फ डेवलपमेंट में जाता है तो मेरा टाइटल, मेरा जमीन, मेरा प्रॉपर्टी कार्ड, मेरा प्रॉपर्टी प्लान, पहले चलता था सब कुछ, लेकिन अभी ऑटो डीसीआर होने के कारण अगर कुछ भी हो गया, एक स्क्वायर मीटर का भी फर्क हो गया तो तुम्हारा ऑटो डीसीआर का प्लान एक्सेप्ट नहीं होगा और रिटर्न हो जाएगा। और मेरे ये सोसाइटी में इतने प्रॉब्लम्स है कि जमीन मेरा जो सैंक्शन हो गया था 1972-73 में वो था कुछ 11,000 या 12,490 स्क्वायर यार्ड, एज पर तो 712 उतारा, अभी 712 उतारा तो कुछ चलते भी नहीं है। अभी प्रॉपर्टी कार्ड में आपको ऐसे प्रॉब्लम्स है
कि आपका प्रॉपर्टी यूनियन कौन सा है। पहला तो 3 प्रॉपर्टी कार्ड था, अभी तो 5 हो गए। ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये मेरे घर से सब लोग जानते हैं या नहीं है मुझे पता नहीं है। लेकिन ये जो फाइल मेरे हाथ में आ गया, बिकॉज इतफाक से मैं इधर आया हूँ, ये फाइल में रियूनी मैटर होने के कारण जो मैंने इसमें खोज किया, तो चोरी करना तो सबको जनता है, लेकिन उसका डाइजेस्ट करना बहुत होता है। तो ये चोरी केला जो भनगढ़ था, तो हमने उसको पकड़ा, लेकिन कानून से आपको जाना पड़ेगा। अभी अपना जो प्रॉपर्टी था तो कुछ 10,443 स्क्वायर मीटर था, लेकिन जगह पे तो 1,000 स्क्वायर मीटर कम है। वो अभी 1,000 स्क्वायर मीटर कम है तो उसको बांट के कौन लेगा। तो सवाल ये होता है कि जब मेरा प्रॉपर्टी का कार्ड ही बराबर नहीं है, मेरा एरिया भी बराबर नहीं है, तो मेरा प्लान कैसा अप्रूव होगा। डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, ये तो दूर की बात है। और ये बात करने से पहले मुझे मेरा प्रॉपर्टी जो बराबर है उसको बराबर पहला लाना करना, ये हमारा सोसाइटी का पहला कर्तव्य होता है। अभी इसके पहले आप लोगों ने बिल्डर का के लिए आपको टेंडर निकाला, सब कुछ किया, मुझे सब चीज मालूम है। लेकिन सवाल ये होता है कि ये बिल्डर्स प्रपोजल में आप लोग फेल्यूर क्यों हो गया, बिकॉज देर आर सॉलिड, देर आर लॉट ऑफ हर्डल्स। जो आपका एक्सेस है वो एक्सेस, अभी मुझे मालूम नहीं है टेक्निकल चीजें आप लोग को कितना समझता है, मैं उसे पर बात कर दूं। लेकिन आपका जो रोड है, ये रोड में ही डिफेक्टिव है। जो रोड है वो 22 फुट का था 1973, दैट टाइम इट वॉज अलाउड टू अप्रूव, बट अभी का जमाने में इट शुड बी 15.9 मीटर से, यानी 30 फुट का रोड चाहिए। अभी वो रोड का ओनरशिप अगर दूसरा लेके जाया और आप लोग को एक्सेस दिया गया, जो एक्सेस रोड था वो राइट ऑफ वे बन गया। राइट ऑफ वे का मतलब ये होता है कि जमीन दूसरे की आपको जाने आने का रास्ता दिया है, यू आर नॉट ए ओनर ऑफ द एक्सेस रोड। सो दैट इज द फर्स्ट फिगर। अभी ये सब निकलने के लिए देर आर वेरियस डिपार्टमेंट, और वो डिपार्टमेंट में हम लोग हैमरिंग शुरू किया। बींग एज अ सोसाइटी चेयरमैन एंड ऑल अदर कमिटी, दे हैव टू टेक द फर्स्ट परमिशन फ्रॉम द जनरल बॉडी कि ये इधर करने का नहीं करने का, जाने का नहीं जाने का। तो हर टाइम में अगर आपको जनरल बॉडी बुलाना है तो इट इज डिफिकल्ट। तो हमने उनको एक प्रोविजन बताया कि एमसीएस एक्ट में देर इज अ प्रोविजन सेक्शन 135, द एक्सट्रीम पावर हैज बी गिवन टू द चेयरमैन विद द कंसल्टेशन ऑफ द ऑल मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स। सो वो बताने के बाद, वो लिखने के बाद, देन ऑल अदर गवर्नमेंट डज नॉट आस्क मी द क्वेश्चन कि वेर इज द रेजोल्यूशन। एनीहाउ, इट इज अ स्टोरी ऑफ द 6 months, 7 months। टूडे वी हैव कम टू द क्लियर कट पोजिशन कि जो एक्सेस रोड है उसका मोजड़ी हो गया, मेजरमेंट हो गया, स्टिल दे आर नॉट इश्यूइंग द प्लान। बिकॉज इन 2013-14 अपना नेबर भाई लोग जो जमीन उनके नाम पे कराया, प्रॉपर्टी कार्ड चेंज किया, प्रॉपर्टी कार्ड में सेपरेशन किया, ये सब चीज होने के बाद अभी वो किसका भी प्लान नहीं होएगा। बिकॉज टुडे कॉरपोरेशन इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी प्लान। जो अगर प्लान ही एक्सेप्ट नहीं करता है तो आपका प्लान मंजूर भी नहीं होगा, और मंजूर नहीं होएगा तो आपका रीडेवलपमेंट तो छोड़ो, कुछ भी नहीं होएगा, ना आपका होएगा ना उनका होएगा और ना इनका होएगा, तीनों सोसाइटी को। इट इज द लेआउट, इन द लेआउट ऑफ 1973-74
अगर तुम लोग तीनों इकट्ठे आए जाएंगे तो ही होगा, नहीं तो कुछ नहीं होएगा। अब इसलिए हमारा पहला सवाल ये था, पहला काम ये था कि हमारा जो एक्सेस रोड 22 फुट का था वो 30 फुट करने का, उसमें 1974 से आज तक जो इंक्रोचमेंट है बाजू का सोसाइटी का, बेनोर सोसाइटी अपना जमीन से 14 फुट का इंक्रोचमेंट किया है, करीबन 287 स्क्वायर मीटर, इट्स नॉट अ स्मॉल पैच, इट इज अ 3 घंटा 300 स्क्वायर मीटर हो गया, यानी 3000 फुट हो गया। तो अगर वो लेंथ में पहला मिले तो मेरा तो सवाल ही नहीं होता, मेरा 30 फुट का रास्ता ही बनेगा। देन एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू, देन यू गो फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट, गो फॉर द बिल्डर डेवलपमेंट, कोई नहीं। तो इसलिए अभी ये तुम्हारे जो कल्पेश साहब है थोड़ा डेरर नहीं है ना हमारे जैसा, अगर हमारे जैसा डेरर होता, खाली वेजिटेरियन नहीं चलता, उसको नॉनवेज भी चलता है, लेकिन ही इज अ मैन, ही विल नॉट डू एनीथिंग बैड। तो हमने उनको बहुत जबरदस्त समझाया कि भाई ऐसा करेगा तो कुछ नहीं होएगा, जब गाली नहीं मारोगे पेपर के ऊपर तो कुछ नहीं होएगा। अभी हमारा जो लेटर जाता है साइन उसका रहता है, मैनेजिंग कमेटी का रहता है, मेरा साइन नहीं रहता है, बट आई एम ए प्रेस रिपोर्टर सेकेंडली, तो पीपल आर अफ्राइड मी, अरे वो प्रेस रिपोर्टर वाला आया है, अभी उसको कैसा छोड़ेगा। तो यही नहीं हो, आपका जो प्रॉब्लम था अभी 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन वो खत्म हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। नाउ वी आर कमिंग फॉर द डेवलपमेंट, अभी बिल्डर डेवलपमेंट, ये अगर टेक्निकल कोई इधर इंजीनियर वगैरह ऐसा कुछ होगा तो जिनको FSI कैलकुलेशन समझता है कि अपन जो यूज किया FSI है वो ऑलरेडी ज़्यादा है। अब पहला बालकनी मिलता था, अभी बालकनी नहीं मिलेगा, अभी अपना लैंड जितना है उसका FSI होगा, लेकिन जो अपना कॉमन रोड का FSI नहीं लिया था करीबन 500-600 स्क्वायर मीटर का प्लॉट जो है एक्सेस, इट्स नॉट बिलोंग टू ओनली आवर सोसाइटी, इट बिलोंग्स टू 3 सोसाइटीज, तो शेयर्स ऑफ द एक्सेस रोड विल गेट, सपोज से 200 स्क्वायर मीटर विल गेट इट, प्लस इंक्रोचमेंट इज 287 स्क्वायर मीटर, तो 400 स्क्वायर मीटर में से 200 अपना एंड तो पड़ेगा इस वाई, तो बाकी बचा फिर भी अपना FSI पूरा नहीं होएगा। अपन जो कंज्यूम किया है वो राउंड अबाउट 31,000 स्क्वायर फीट कंज्यूम किया है। अभी दूसरा बात ये है कि अगर अपन रीडेवलपमेंट में जाता है तो बेनिफिट हमारा मेंबर्स को क्या होगा, कितना परसेंट मिलेगा, जो मिलेगा उसमें बालकनी अपन तो 10% वापर रहे हो तो डिडक्ट होगा, लेकिन कारपेट एरिया तो हुआ है तो नेचुरली दैट मच तो मेंबर्स को मिलना ही चाहिए, तो 35%, 40%, 50% जितना अवेलेबल है, इट डिपेंड ओनली फॉर द कैलकुलेशन। अब ये पूरा डेवलपमेंट करने के लिए अपने पास कितना पैसा जेब में है, अपने पास तो पैसा तो कुछ नहीं है, अपन तो भीख मांगने वाले बैंक से और जो सेल करने वाला है, अगर आप लोग सब इकट्ठा होंगे एक दूसरे से मिलकर काम करोगे तो ही आपको ये सब चीज़ होएगा, नहीं तो डिफिकल्ट है। फिर इसे अच्छा है ना, कोई डेवलपर आता है तो दे डालो, अपने को घर मिलेगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ऐसा होता है कि एक दफा आपने तुम्हारा पोजीशन फ्लैट दे दिया तो आपको वापस कब मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट में जाओगे तो यू आर ओनर, आपको जैसा काम करने का है वैसा आप कर सकते हैं, जैसा अपने को प्लानिंग करना है वैसा अपन प्लानिंग कर सकते हैं, बाकी तो सब रेडी मटेरियल जितने अपने पास कंसल्टेंट है उसका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आप किए तो आपका घर अच्छा बनेगा। और दूसरा बात ये होता है कि जो बनेगा जो होगा वो सबके सामने होएगा, तो उसमें मैनेजिंग कमेटी बोलो या और भी रिकंस्ट्रक्शन का कमेटी बोलो या और सब मेंबर्स का कमेटी बोलो, अनलेस
ऑल मेंबर हैज अप्रूव्ड दिस, नथिंग कैन बी डन. तो मुझे मेरा ये थिंकिंग है कर सब लोग इधर ही देखे तो ऑल आर एजुकेटेड पर्सन एंड बिजनेस वाले भी लगते हैं मुझे किसने अकाउंटेंट है, सीए है, इंजीनियर होगा और सब कुछ होगा. तो कैलकुलेशन करने में और अच्छे लोग हैं आप लोग, तो इकट्ठा करके अगर काम करे तो आपको अपना बिल्डिंग 2 साल में 2.5 साल में बन सकेगा. अभी रहता है सवाल तुम्हारा अप्रूवल का. देर आर सो मेनी स्टेजेस, लेकिन आपके पास इतने कंसल्टेंट है, इतने अवेलेबिलिटी है, तो इजीली यू कैन डू इट. इंस्टेड ऑफ 11 आदमी तुम 22 आदमी रखो ना, हर आदमी ने काम बांट के ले लो. अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट जाएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप डेवलपमेंट में जाएगा तो देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड श्योरिटी नहीं होगा. और दूसरी बात, जो BMC का रूल्स है, जो तुम्हारा रजिस्टर सोसाइटी का रूल्स है, ऑल रूल्स हैज टू बी कंप्लीटेड बिफोर डूइंग एनीथिंग. तो मेरा कहना ये है कि अनलेस आप 79A कंप्लीट नहीं करता है तब तक आप कुछ भी नहीं सोच सकता है. अगर आपको सोचना है आपको मिलना कितना है, आपको खर्चा कितना आने वाला है, दैट एवरीथिंग हैज टू बी कैलकुलेट बिफोर स्टार्टिंग और बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन. तो मुझे जो कहना था कि मेरा ओपिनियन है कि इफ यू ऑल ऑफ थिंक एंड गो फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट करने से पहले अगर आपके जेब में ये सब फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए कितना पैसा है ये सोच के अगर जावे, तो आने वाला खर्चा और बनाने वाला खर्चा और बिल्डिंग कंप्लीट होने का टाइमिंग और आपको मिलने वाला पोजीशन, ये सब कैलकुलेशन आपका यूनिटी, आपका पैसा, आपका एफर्ट, आपका जो पावर बोलता है, जो इच्छा शक्ति, उसे ही होने वाला है. अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट. बट माई ओपिनियन, यू आर हैविंग वेरी गुड पीपल, यू आर हैविंग वेरी गुड कंसल्टेंट एंड दे विल डू योर वर्क. सो बेटर यू गो फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट. दिस इज माई डिजायर, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स. यू आर नॉट होमलेस, यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग, यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर ओन बिल्डिंग. पहले जमाने में जो हो गया हो गया. सेकेंडली, देर आर नंबर ऑफ, देर आर आई थिंक 12-13 टाइप्स ऑफ फ्लैट, राइट फ्रॉम 300 square feet टू 376, 400 to 476, then 508 to 560 square feet, 670 and 680. There are number of 61 flats, and designing, planning is difficult because if the flat size, suppose if you want to construct 302 and another flat is 369, then 375, 376, so it is a difficult to plan this building structure. But adjustment if you done, percentage of the area is increased and you pass the resolution, सबको इकट्ठा करके अगर आप लोग समझाएगा तो everybody will agree and you are getting and gaining if you go for the self development. सवाल रहता है बैंक का पैसे का. अभी जैसे जैसे कानून बदलता है वैसे वैसे कुछ ना कुछ तो वाया मड़िया आता ही है. तो अगर आप 79A कंप्लीट करके खड़े हो जाएंगे, देन यू विल डू समथिंग. थोड़ा सा 79A आप थोड़ा बता दीजिए. 79A मीन 79A मीन देयर आर टू फर्स्ट कंडीशंस. इधर आर यू रेडी टू गो फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट और आर यू रेडी टू गो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग. तो आपका इंडिविजुअल कंसेंट देना है और साइमल्टेनियसली आपको सोसाइटी का भी कंसेंट देना है. तो दोनों कंसेंट होने के बाद ये कंसेंट कब दिया जाता है कि आपका एरिया तय हो जाएगा, और आपका एरिया कब तय हो जाएगा
कि जब का आपका बिल्डिंग का प्लान बनेगा, और आपका प्लान कब बनेगा कि जितना आपका एरिया है, जितना मेजरमेंट है, जितना लैंड का मिलने वाला एरिया है, जितना तुम्हारा प्रॉपर्टी का अभी नया बनने वाला है, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद यू आर स्टैंडिंग इन करेक्ट पोजिशन। आज अपने को अपना एरिया कितना है, ऐसे से मुझे कितना मिलेगा वो डिफरेंट थिंग, लेकिन मेरा प्रॉपर्टी कार्ड में मेरा जो जितना लैंड मेरे पोजिशन में है, क्या वो मेरा है, मेरा सोसाइटी का है, या और किसका क्लेम है, या मुझे जो राइट ऑफ चंदावरकर रोड से अंदर आना है वो मेरा 22 फुट या 30 फुट मिलता है क्या, इसके ऊपर आपका एक कैलकुलेशन रहता है। तीसरी बात ये है, अगर आपका 30 फुट का कैलकुलेशन मिला तो समझो तुम्हारा 2.5 है, कल उठ के तुमको और भी बेनिफिट मिला, तो इट में गो फॉर 3 ऑल्सो, बिकॉज योर बिल्डिंग इज ओल्ड, बिल्डिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन 1972-73 एंड नाउ आई ऑल द मोस्ट आई थिंक 45-46 ईयर्स ओवर, सो दैट बेनिफिट मे गेट फॉर 10%, सो इफ 10% इंक्रीज इट गोज टू डायरेक्ट टू द मेंबर। When we'll come to know, when we get this demarcation, property card, property plan, then only the second step starts. So, what I mean to say, कि ये सब चीज जो है ये सब ये भी है एंड और आपको कुछ पूछना है, पूछना किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। जो यहाँ पे लोग हैं उनका ये है कि एक अगर सेल्फ में जाते हैं तो पैसा बैंक, जैसे पहले उन्होंने बताया कि मोस्टली 95% बैंक फाइनेंस करेगी, लेकिन एक डर रहता है कि सेल्स नहीं हुआ तो हमको पैसा कहाँ से भरना पड़ेगा, या हमको टेंशन नहीं चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए। सेल्फ में सबको वो डर लगता है कि बिल्डर आएगा तो बिल्डर बेचेगा, वो जाने, हमको तो हमारा फ्लैट चाहिए बस। आपको कहना बराबर है, बिल्डर आपको दान देने वाला नहीं है, बिल्डर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला नहीं है, बिल्डर को अगर परमिशन नहीं, बिल्डर को अगर कुछ मिलता ही नहीं है प्रॉपर्टी में वो देने वाला नहीं है। इसीलिए आपको पहला ये जानना चाहिए कि वेयर यू स्टैंड, आपका एरिया कितना है, आपका आज का जो प्रॉपर्टी कार्ड है वो प्रॉपर्टी कार्ड का एरिया आप बता नहीं सकते, क्यों, जो पोजिशन आपका है अभी हमने सर्वे किया है, विद द ग्रेट डिफिकल्टी वी हैव गॉट द सर्वे ऑफ द लैंड, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, फिर भी अभी थोड़ा सा क्लासेस चालू है। जब तक आपको ये प्रॉपर्टी कार्ड का एरिया नहीं मालूम पड़ता है एक्चुअली, तब तक कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड, आपने क्या पूछा था, सेल नहीं हुआ, सेल नहीं। हाँ, जब आप यहाँ 40 साल रहते हैं, हो सकता है आपका बचपन इधर गया होगा, हो सकता है आपके लड़के लोग आए होंगे, हो सकता है आपको और भी जगह चाहिए, अगर अपना मेंबर को कुछ कंसेशन दिया जो मार्केट रेट से 500 रुपया 1000 रुपया, बट विद द कैलकुलेशन, तो आप फ्लैट ले सकते हैं, आप पैसा दे सकते हैं, यानी आपका पैसा आपको बेनिफिट मिलता है, आप ही पैसा ये करके इकट्ठा कर सकते हैं। और जो अगर ये तो प्रॉपर्टी का मैटर है, ये हॉट सेल है, अगर आपका पैसा इधर चालू हो गया, काम चालू हो गया, बैंक ने समझो पैसा दिया, लेकिन बैंक ऐसा पैसा नहीं देते ना जब तक आपका आईओडी नहीं आता है, तो आईओडी लाने के लिए तो पैसा आपको करना ही पड़ेगा ना खर्चा, वो नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा ना। तो कहने का मतलब है कि जब आपका प्लान अप्रूव हो जाएगा, आईओडी हाथ में आएगा, कमेंट हाथ में आएगा, तो आप लोग को ही पैसा होगा इकट्ठा करने वाला है। दूसरा, अगर सेल प्राइस होता है ना तो 3 जगह चेक होता है, आप जब बैंक के पास पैसा लेने जाएंगे ना तो बैंक में आपको अप्रोक्सीमेटली सेल प्राइस डालना पड़ेगा, जब आप 25,000 का सेल प्राइस डालोगे तो रियलाइजेशन कॉस्ट आएगा, और रियलाइजेशन कॉस्ट जब आता है ना आपका, तो रियलाइजेशन कॉस्ट बैंक में आप 35,000 डाल के बेच दोगे तो बैंक 35,000 मान नहीं लेता, आप 15,000 डाल के भी डाल दोगे तो भी बैंक 15,000 नहीं मान लेता। आप अगर
आपको बैंक को भी आसपास का एरिया पता होता है, तो डेस्परेट सेल जो होता है वो 30% लेस देन द मार्केट प्राइस पे बैंक कॉस्ट एक्सेप्ट करती है, बैंकिंग लॉ हिसाब से होता है। तो बैंक ये सोचती है कि हायर प्राइस में ये प्रॉपर्टी 30,000 में बिकेगी, लोअर प्राइस में ये प्रॉपर्टी 21,000 में बिकेगी। तो 21,000 में भी बिकेगी तो बैंक ये सोचेगी मेरा खर्चा निकल रहा है कि नहीं, मेंबर को कुछ मिले नहीं मिले मुझे नहीं लेना है, अगर मेरा खर्चा निकल रहा है तो ठीक है, अगर आपने बोला सेल नहीं होगा तो। अब आप जैसा मनोहर जी बता रहे हैं कि आप इस एरिया में 40 साल से रह रहे हैं, तो आपने आपका एरिया में एक मिनिमम बेस सेल प्राइस पकड़ा होगा ना, आपको खुद भी तो पता होगा आज के तारीख में, जैसे इन्होंने बोला कि अभी नया एडिशनल 60,000 फुट का जगह अपना बनने वाला है, आपको लगता है कि आपके पास पैसा है, आपको 100 स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा लेना है, अगर एग्जिस्टिंग मेंबर को 25,000 के हिसाब से 100 स्क्वायर फुट 25,00,000 में मिल रहा है, बराबर है, आपके पास पैसा भी है लेने की भी इच्छा है, तो आप क्या करेंगे, 25,000 में लेंगे या 20,000 होने की राह देखेंगे? डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट तो दे दिया, डिस्काउंट ही 25,000 है, अभी 25,000 में लेना है। अब आपको आपका इंडिविजुअल डिसीजन ये लेना है कि नहीं कल को मार्केट गिरेगी क्योंकि ये सेल तो होने नहीं वाला है, अगर सेल नहीं होने वाला तो कल को बिल्डिंग 20,000 में बेचने को निकालेगा, और 20,000 में बेचने को निकाला तो मैं रुकता हूँ और तभी लेता हूँ। तो आप क्या करोगे, 20,000 में लेने के लिए वेट करोगे या 25 में मिल रहा है तो ले लोगे, क्योंकि आपको मालूम है ये 25 भी कंसेशनल प्राइस है क्योंकि एक्चुअल प्राइस 28 है। हाउ विल यू डिसाइड? यू विल बाय, यू विल नॉट वेट, राइट? दैट इज हाउ द मार्केट ऑल्सो डिसाइड दैट। इफ द नियर बाय एरिया सेल्स और द नियर बाय बिल्डर इन अ फ्रेश प्रॉपर्टीज इफ सेल अबाउट 28,000 और 29,000 एंड इफ यू पुट योर प्रॉपर्टी एट 25,000, वाई विल समबडी नॉट बाय? सो योर डाउट इज राइट, बट हाउ जेन्यून दैट डाउट इज? पेंडेमिक किसी ने सोचा नहीं था, आ गया 10 महीने से पूरी इकोनॉमी वर्ल्ड ओवर शांति से बैठी है, फ्लाइट बंद है, सब बंद है, वो किसी ने सोचा नहीं है, पर हुआ है। आपका सेल भी जीरो हो सकता है, तो बैंक टेक ओवर करेगी प्रॉपर्टी, बैंक अपने हिसाब से अपना पैसा निकालेगी, जो आपका बाकी का 60,000 सेलेबल एरिया आएगा उसको बैंक बेचेगी अपने हिसाब से, अगर वो 20,000 के हिसाब से भी बेचेगी तो उसको अपना जो 98 करोड़ खर्चा किया है उसको मिल जाएगा, आपको कॉर्पस नहीं मिलेगा, उसको तो 98 करोड़ चाहिए ना जो उसका खर्चा हुआ है, उसको मिल जाएगा, वो आपका घर अटैच नहीं करेगी। नहीं, अभी 60,000 को मेरे को 10,000 में बेचना पड़ा, 60 करोड़ ही निकला है, बाकी 38 करोड़ है मेरे को आपके घर बेच के निकालना पड़ेगा, वो सिचुएशन नहीं आती, वो बैंक का कॉल। बेसिकली ये द थिंग इज कि अभी जो ये जो 25,000 का रेट जो पकड़ा है, सी आई एम अवेयर ऑफ द मार्केट बिकॉज आई डू इन्वेस्ट, आई एम टेलिंग यू, सो राइट नाउ अभी 25,000 का रेट पकड़ रहे हो, डिड यू सी 48 मंथ्स बोला था, बराबर है 48 मंथ्स, तो बेसिकली आप आगे का सोच रहे हो, आप बेचोगे कब? जब पूरा बिल्डिंग बन जाएगा उसके बाद ही बेचोगे ना, उसके पहले तो बेचोगे नहीं। अभी ये पेंडेमिक के टाइम में आप एंटी रोड से आगे जाओगे ना सिंपली विंपली, उधर 28,000 के रेट में फ्लैट बिक रहा है राइट नाउ, नया फ्लैट बिल्डिंग रेडी, प्लिन चढ़ा हुआ है, ठीक है, और 2 फ्लोर चढ़ने बाकी है, 28,000 का भाव चल रहा है, ये मैं खुद बोल रहा हूँ बिकॉज आई नो, आई एम अवेयर, अभी 28,000 में बिक रहा है। सो नाउ यू आर टॉकिंग आफ्टर 48 मंथ्स, दैट इज रफली 5 ईयर्स रफली, सो द थिंग इज लूजिंग, अभी तो 25,000 पकड़ रहे हैं हम, तो बहुत कंजर्वेटिव पकड़ रहे हैं मेरे, और वो तो बात की बात है, बट पहले द थिंग इज विथ सेल्फ रीडेवलपमेंट एंड गेटिंग द डेवलपर, द डिफरेंस इज ऑल दिस पोअर पीपल वेर देयर, इट्स लाइक हम लोग उनको, जैसे वो लोग डेवलपर ही है मान लो, एकदम सिंपल करते हैं, ये लोग डेवलपर ही है, हमने इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक है, और ये डेवलप करेंगे, यही सब अप्रूवल लाएंगे, यही सब करेंगे, हमको खाली इतना करना है, हमको खाली उन लोग पे भरोसा दिखाना है बस, बाकी सब ये लोग ही करेंगे, इन शॉर्ट यही डेवलपर है। थिंग इज कि आप जो रिस्क, ऑब्वियसली मैं भी फ्लैट होल्डर हूँ, मेरे को भी रिस्क है, मेरा फ्लैट गया तो क्या, बट एक डेवलपर को लाएंगे उसमें ज़्यादा रिस्क है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसमें तो क्या है बैंक इन्वॉल्व है, बैंक भी पागल तो है नहीं, ऐसे थोड़ी पैसे लगेगी प्रोजेक्ट पे, उसको सेलेबल दिखेगा तो ही लगाएगी, डिपॉजिटर का पैसा, एग्जैक्टली। सो द थिंग इज ये जो सेल्फ डेवलप, सी आई एम जस्ट लिसनिंग लाइक यू ऑल, बट आई एम अवेयर अबाउट द मार्केट, दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये लोग डेवलपर ही है मान लो, अपने सिंप्लिसिटी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इनको हम दे देंगे कॉन्ट्रैक्ट, यही सब लाएंगे,
द ओनली थिंग इज कि अपने को खाली ट्रस्ट दिखाना है, दैट इज द थिंग. यही है सेल्फ डेवलपमेंट. और आप यूट्यूब पे आप टाइप कर लेना, सबको मैं बोल रहा हूँ, सब लोग यूट्यूब यूज करते हो और गूगल भी यूज करते हो, आप देख लेना, दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन. एंड वट एवर कल्पेश इज टेलिंग एंड आई हैव सीन ही इज कन्विंसिंग फॉर सो मेनी इयर्स एंड आई थिंक ही इज राइट. आप थोड़ा सा सब लोग अगर अपन लोग मानते हैं, अपन यंग जनरेशन है, सब यंग ही है, मैं तो किसी को ओल्ड नहीं मानता हूँ, ठीक है, बनेगा, घर भी अपने हिसाब से मिलेगा और सब लोग साथ में बैठ के जब बैठेंगे ना सब लोग साथ में, तो यू कैन डिसाइड कि हाउ मच मोर एरिया यू वॉन्ट एट वॉट प्राइज यू वॉन्ट, बिकॉज वी आर ओनली डेवलपिंग. तो हम अपना पहले देखेंगे, अपने को थोड़ा बड़ा एरिया चाहिए तो अपने को कम भाव में थोड़ा ज़्यादा एरिया ले लेंगे, बाद में जो बचता है वो बेचेंगे अपने हिसाब से. एंड आई एम टेलिंग यू 30,000 वुड बी द मोस्ट कंजर्वेटिव कॉस्ट इफ यू सेल आफ्टर 5 ईयर्स अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग. सो यू आर अर्निंग ऑन दैट ऑल्सो, सो दैट विल एड अप ऑन योर कॉर्पस कॉस्ट. कॉर्पस जो लिखा ना 6,300, तो वो भी आपको मिलेगा, दैट कम्स टू वर्क आउट ऑफली 37 लाख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 36-37 लाख. तो मान लो 35 लाख भी मिला, घर तो नया हुआ, और अभी आप बोलोगे कि अरे बिल्डिंग ही नहीं बना तो क्या, बिल्डर आएगा 1,000 रुपए के लिए रोएगा. अरे बिल्डर भाई प्रॉपर्टी अटकी हुई है, मेरे को पता है, छोड़ो. एनीवेज आई जस्ट वांटेड टू कन्वे दिस, मेरे को जो आइडिया है मैंने बोला शेयर करता हूँ. एनीबडी वांट शादी का भी भेज रहे एनी क्वेश्चन? ये अपना है, ये अपने को करना है. जैसा अपन घर परचेस करता है, जैसा अपन खाना बनाता है, सब इकट्ठा होके भाजी तरकारी ये सब लाता है, वैसे 161 आदमी अपने अपने हेल्थ से ये अपना बिल्डिंग बनाएगा, उसमें जो इंटरेस्ट है, जो मजा है, जो अपन कमाने वाला है, तो वो अरे ये बिल्डिंग तो हम बनाया है, हम सब इकट्ठे हो गए, हम सब सोसाइटी वाले, ना हम किसी के रिलेटिव है, ना रिलेशन में है, ना गांव वाले है, ना शिव वाले, लेकिन हम लोग यूनाइटेड एक जगह इतने साल रहते हैं, इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं. तो मुझे ये आपको रिक्वेस्ट करना है कि बेटर ऑप्शन इज द सेल्फ डेवलपमेंट. और आपके मैंने अभी देखा इतने अच्छे लोग बैठे हैं, मेरा सुन रहा है सब कुछ, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई मुझे हिसाब किताब करने के लिए मैं नहीं किया हूँ. मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि आपका जो हर्डल्स है वो मैं निकाल रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ मिस्टर कल्पेश, विद द हेल्प ऑफ मिस्टर भाविक एंड मिस्टर नीरज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन आप लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो आपका घर बिल्डर के पास 4 साल में बनेगा, तो सेल्फ डेवलपमेंट 2.5 साल में बनेगा. तो ये बेटर चॉइस है. और आप अपने आँख से देखोगे कि हमारा बिल्डिंग बनते जा रहा है, बट उसके लिए जो प्रोविजन करना है, जो काम करना है, जो 79A कंप्लीट करना है, जो आपको इंडिविजुअल कंसेंट देना है, जो जॉइंटली कंसेंट देना है, उसके बगैर कुछ नहीं होगा. और आपका आर्किटेक्ट आप लोग करने वाले क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करने का काम इनका है. ये उन्होंने जो अपॉइंटमेंट करेंगे कंसल्टेंट, और वो अच्छे होंगे और आपका बिल्डिंग सबसे अच्छी बनेगी और आपके पैसे से बनेगी. और विदाउट एनी लोन आप जब जाएंगे तो आपके सर पे कुछ का भी 1 रुपए का लोन नहीं होगा. ये मेरा कहने का है. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू, तुम्हें एवढा टाइम काढला आमच्यासाठी आणि थोडा उशीर झाला म्हणून सॉरी. और कोई किसी के क्वेश्चन है तो इनके लिए नहीं है तो मतलब पहले इनके क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर मेरे साथ जो बात करनी है कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो इनको एटलीस्ट जाने दिया अपन. डन, थैंक यू सर. थैंक यू. टोटल अभी अगर अपन देखें तो लास्ट तक में सब बैठे हैं और 36 मेंबर्स प्रेजेंट है, एक फ्यूचर मेंबर भी है साथ में, तो वैसे 37 होता है, बट फिर भी आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कि जो अभी हम लोग सोच रहे थे उस हिसाब से जा रहे हैं. कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं है, आप लोग जो भी आपके हिसाब से देखना है. थैंक यू सर. थैंक यू.
अभी जो सिचुएशन पे हम खड़े हैं बेसिकली, जैसे मनोहर जी ने बताया, हमारा जो रोड का क्लियरेंस है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेट में लेट जनवरी एंड या फरवरी मिड तक आ जाना चाहिए। जो दो बिल्डर का टेंडर हमारा लास्ट तक आया था और फेल हुआ था, बट उन लोगों ने हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया था, उन्होंने ये बोला था कि रोड आप क्लियर कर लीजिए फिर हम आपको फाइनल ऑफर देंगे। उन दोनों के साथ बातचीत शुरू कर दी है हमने, उन दोनों ने ये बोला है कि आपका रोड का ऑर्डर क्लियर ले आइए, आपका प्रोविजनल जो नया प्लान है वो लेके आइए और उसके बाद में आप हमारे साथ बैठ जाइए, हम आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफर दे देंगे। इसमें सबसे बड़ा एक जो हर्डल अभी है, जो मनोहर जी ने समझाया, कितने लोग समझे मुझे पता नहीं है, जो 300 स्क्वायर मीटर एनक्रोचमेंट को रिकैप्चर करना है। इसका मतलब क्या कोई समझा सकता है? बैनर का जो बोलो कोई तो समझाओ, बैनर बैनर का जो दीवार है वो इस तरफ है। बोलो बोलो, जो भी पुराने उनको तो सबको पता होना चाहिए, नए लोग को शायद नहीं मालूम होगा, पुराने को तो सबको पता होना चाहिए। दूध वाले का है, बैनर का है, दूध वाले का प्रॉब्लम। जो जयेश की वॉल है, जयेश की वॉल से लेके यहाँ पे ये बैनर के पार्किंग तक में कम से कम 9.5 से 13.5 फुट का पूरा स्ट्रेंथ है, उसको रिकैप्चर करने के लिए ये मोजड़ी जो हुई है वो मोजड़ी में वो एरिया अपना निकल के आया है। अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि वो जिस दिन ऑर्डर आएगा, तहसीलदार की टीम आएगी यहाँ पे और वो नई बॉर्डर एस्टैब्लिश करेगी, आज यहाँ पे 37 लोग आए, जिस दिन ये दीवार तोड़नी पड़ेगी और नई दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से तो नहीं होगी। ये शॉप डिमोलिशन की एप्लीकेशन है, ये अभी मैं कल साइन करके मंडे बीएमसी में जाएगा ये। तो यहाँ हमारे साथ जो 5 कमेटी मेंबर अभी बचे हैं, 7 में से 2 जन ने रिजाइन किया है, क्योंकि लास्ट वीक हम ये मीटिंग नहीं कर सके तो हमारे बीच में थोड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है और मैंने एज अ चेयरमैन अपना राइट एक्सरसाइज करके जो लोग कन्वीनियंटली काम नहीं कर सकते थे तो मैंने बोला आप दूसरों के लिए जगह खाली कर दीजिए, एंड देवर हेल्पफुल इनफ कि उन्होंने बोला ठीक है आप दूसरे लोगों को ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइडिया ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे कितने लोग आके हमारे साथ खड़े रहेंगे जब ये काम चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 61 में से 10%, हम 5, एक बादल नया आ गया 6 और ये और 7। तो मनोहर जी ने क्या समझाया और उसके आगे वालों ने भी क्या समझाया कि अगर 61 जन मिलेंगे तो काम होता है, अगर 61 जन अपने काम में बिजी रहेंगे, मैं सब्जी लेने मार्केट अपने काम से जा सकता हूँ पर सोसाइटी के काम से अगर मुझे मार्केट के बाजू में पुलिस स्टेशन है वहाँ जाना है तो मुझे कोविड लग जाएगा, क्योंकि सोसाइटी काम के लिए कोविड आता है, पर्सनल काम में कोविड नहीं आता, कोविड का भी अपने अपने बाइफर्केशन है। हम जब तहसीलदार ऑफिस में 4 घंटा बैठते हैं, 3 आदमी की लिफ्ट में 5 जन जाते तो हमको कोविड नहीं आता। तो अपने अपने रूल है, मेरा इंटेंशन एज अ चेयरमैन सिंपल है कि जो आगे अब काम जा रहा है, पिछले 7 साल में जो काम हुआ है वो काम आगे इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर बिल्डर को ले आएंगे तो भी एक कमेटी नहीं बनानी पड़ेगी जिसमें बिल्डर के साथ वो कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, और अगर सेल्फ में जा रहे हैं तो कम से कम 20 आदमी की टीम चाहिए जो ये काम और आगे ठीक से बढ़ा सके, और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग, आज के तारीख में हम तलाटी ऑफिस में अलग दौड़ते हैं, तहसीलदार में अलग दौड़ते हैं, कलेक्टर में अलग दौड़ते हैं, लैंड एंड रेवेन्यू में मनोहर जी के साथ अलग दौड़ते हैं और पीएमसी के साथ हर्षद अलग दौड़ते हैं। हमारी भी ऑफिस है, हम ऑफिस से हमारे सोसाइटी का काम के लिए 1 घंटे का कंसेशन निकाल दें, हम उसमें सैटरडे संडे नहीं सोचते क्योंकि सैटरडे संडे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बंद रहते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये बेवकूफ लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ने दो ना, अपने को तो नई चाबी मिलने वाली है। तो आइडिया ये है कि लोगों को अपने एटीट्यूड चेंज करने पड़ेंगे। अगर अपने घर में बैठ के कोई नई चाबी मांग रहा है तो सॉरी कल्पेश देसाई से तो वो मत एक्सपेक्ट कीजिए एट टाइम, मैंने तो लास्ट टाइम भी एजीएम में इसलिए छोड़ दिया था। तो नेक्स्ट, जस्ट कमिंग बैक टू द सेम थिंग, ये काम होने वाला है, उस दिन हमको बिल्डिंग के हर फ्लैट से एटलीस्ट 2 मेंबर लगेंगे, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर होगा, सॉरी तहसीलदार का ऑर्डर होगा, पुलिस होगी, सब होंगे, बट इट इज गोइंग टू बी अ टफ टास्क। एक ये है, और उसमें अगर हम यूनिटी के साथ आगे बढ़ पाए
तब जाके आगे नेक्स्ट टाइम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 9 मीटर का रोड क्लियर करा रहे हैं। 9 मीटर का रोड क्लियर होगा तो 70 मीटर की हाइट होगी। मतलब विपिन देसाई हमेशा बोलते हैं कि 9 मीटर का रोड लाएंगे तो ही अपने को 20 माले की बिल्डिंग मिलेगी, नहीं तो 10 माले की बिल्डिंग बन जाएगी। तो 10 माले की बिल्डिंग में राउंड बिल्डिंग बनेगी, FSI नहीं होगा, एक दूसरे को सामने सामने फ्लैट देखना पड़ेगा। बट अगर 20 माले के दो टावर आते हैं तो सामने सामने नहीं देखना पड़ेगा, चार विंग सेपरेट खड़ी होगी। वो काम जो हम सोच के चले थे 2016 से वो खत्म होने जा रहा है। और हमारा सबसे बड़ा रिग्रेट, सबसे बड़ा अफसोस यही है कि हमारे मेंबर्स हमारे साथ कम है। फ्लैट सबको चाहिए, चाबी सबको चाहिए, बट काम में किसी को आगे नहीं आना है। हमारा जो नेक्स्ट डिसीजन है वो ये है कि आप मेंबर अगर नहीं आ सकते, वो सीनियर सिटीजन हो चुका है, आपका बेटे को भेजिए, बेटी को भेजिए, वो लोग काम आएंगे। अगर वो लोग घर से काम कर रहे हैं, उनको अगर हमको तहसीलदार ऑफिस भेजना है एक लेटर लेके, भले उनको कुछ नहीं आता है, हमारा वो लेटर लेके जाइए, सामने तलाटी बैठा है उसको दीजिए, वो फोन पे हमारे साथ बात कर लेगा, बट आप एटलीस्ट जाके हमारा वो एक घंटा बचाइए। हम हमारे काम से बैंड्रा गए होते हैं, हमको 5 बजे तहसीलदार ऑफिस बंद होती है, हमको फास्ट ट्रेन पकड़ के कोरोना के साथ आना पड़ता है बोरीवली, ताकि वो लेटर हम 4:30 बजे डिलीवर कर सकें, नहीं तो सोसाइटी का काम एक दिन और डिले होता है। हम लोग ये पैशन से काम करते हैं, हम तभी कोरोना नहीं सोचते। तो ऐसे जो लोग आ सकते हैं, मेंबर हो या ना हो, मेंबर नहीं होगा तो भी चलेगा। मैं भाविक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो नॉन मेंबर भी काम करेगा उनके काम की जिम्मेदारी हम लेते हैं। बैलेंस शीट हम साइन करेंगे, एनुअल रिपोर्ट हम साइन करेंगे, जिसको चैलेंज करना हो वो कर सकता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमको काम करने वाले लोग चाहिए। अगर काम करने वाले लोग नहीं है वो आ सकते हैं तो आगे आप नई चाबी भूल जाइए प्लीज। एनी क्वेश्चन? एक वस्तु तमने कही दू, अपना सीनियर सिटीजन है, हूँ तमने एक एक्जाम्पल आपू छू। 2019 में જુલાઈ 31 તારીખે અમારો હર્ષદ મોરે સાથે ડિસાઇડ થયું કે અમને 15 ઓગસ્ટ સુધીમાં 14 દિવસમાં ટેન્ડર બનાવીને આપશે। મારે બી અર્જન્ટ કામ હતું, હું 3 મહિના નીકળી ન શક્યો ઓફિસમાંથી, ભાવિકને બી અર્જન્ટ હતું ત્યારે માર્કેટ ખરાબ હતી, ન નીકળી શક્યો, પણ 2.5 પણ ટેન્ડર નો ડ્રાફ્ટ બનાવવા માટે ચારકોપમાં હર્ષદની ઓફિસમાં કોઈ નહોતું ગયું। છેલ્લે અનિલભાઈ ગયા ઓક્ટોબરમાં, અનિલભાઈ બપોરે 12 વાગે જમીને જતા રહ્યા, મને ખાલી જતી વખતે કીધું કે હું ત્યાં જઈને લઈ, સબ કમિટીના મેમ્બર છે એટલે ગયા, કે આજે ટેન્ડર લઈને જ આવીશ। સાંજે 6 વાગ્યા સુધી બેઠા, ઓલાએ કીધું તમે ઘરે પહોંચશો એ પેલા ટેન્ડર થઈ જશે, 6:30 વાગે મારા મેલમાં ટેન્ડરનો ડ્રાફ્ટ આવી ગયો। થેન્ક યુ વેરી મચ। આવું કેટલા જણ ઉભા થાય છે સાહેબ, ચાવી બધાને જોઈએ છે, લિખો ભાવિક નામ લિખો, છે નામ લો, નંબર લખો, એ સબ ના ના સાચે મજાક નથી કરી ભાભી, કારણ કે અમારે તકલીફ એવી છે, હમણાં જે આ ગયા અઠવાડિયે થયું ને, આઈ વોઝ ડેસ્પરેટ કે મીટિંગ કેન્સલ કરવી પડી। મંગળવારે ભાવિક પોલીસ સ્ટેશનમાં જાય છે, એ કહે છે કાલે સવારે 11 વાગે આવો, સવારે 11 વાગે પોલીસ સ્ટેશનમાં જવા માટે કોઈ માણસ નથી। બુધવાર જતો રહ્યો, ગુરુવાર જતો રહ્યો, ગુરુવારે સાંજે પાછો 5 વાગે વિરલ જાય છે, કે નહીં સાફ સુબે મિલેંગે 12 વાગે ત્યાં, શુક્રવારે સવારે બી પાછા ગયા, તો શુક્રવારે સવારે ઓલો માણસ જ નહોતો, અમારે મીટિંગ કેન્સલ કરવી પડી। આ ટીમ ગઈકાલે, આ મીટિંગ ગઈકાલે થઈ ગયા, અહીં એક અઠવાડિયે અમારો ખોટું લંબાઈ ગયો। સેટરડે ઝુબિન જઈને મળીને આવ્યો, જેને ઓળખીતા હતા આ તે, ત્યારે જેમ તેમ એણે સાંભળી અમારી વાત, પછી બીજેપીનો એક રેફરન્સ લગાવ્યો, એટલે જસ્ટ ફોર લાસ્ટ ટાઈમ આઈ થિંક તમે AGMમાં કીધેલો જ, મનીષાતાઈ ચૌધરી અત્યારે આપણા રોડ ક્લિયરન્સ માટે ઘણી મદદ કરી રહી છે, એની સાથે બી અમે કામ કરી રહ્યા છે, અને એને પછી અમે લોકોએ સંપર્ક કર્યો, ઝુબીને બી કોઈને ફોન કર્યો, ત્યારે ઓલાએ કીધું કે હું ઓફિશિયલ પરમિશન નથી આપી શકતો, પણ એક વસ્તુ જોઈ લઈશ કે જો કોઈનો ફોન આવ્યો તો ઓલું ના કરીએ, એટલે અમે લોકોએ મેલનો ડ્રાફ્ટ ભાવિક થ્રુ એવો કરાવ્યો કે અમે આ મીટિંગ કરીએ છીએ, અને તમને જો કંઈ ઓબ્જેક્શન હોય તો અમને કહો, અને જો તમને ઓબ્જેક્શન, તમારે જવાબ ના આવ્યો તો અમે માની લેશું કે તમારી પરમિશન છે, અને પછી આ મીટિંગ કરીએ। એટલે વસ્તુ પરિસ્થિતિ શું છે કે અમે એવી જગ્યાએ અટકીને બેસી જઈએ છીએ કે કંઈ કરી નથી શકતા, વસ્તુ પરિસ્થિતિ એવી જગ્યાએ ઊભી રહી જાય, તો તહેસીલદારની ઓફિસમાંથી 12 વાગે ફોન આવે, 1/2 કલાકમાં સાહેબ નીકળી જશે, હમણાં આવીને મળી જાઓ, કોણ જાય?
એટલે વસ્તુ પરિસ્થિતિ એવી આવીને અટકી જાય છે, સોરી હમણાં નહીં આવી શકીએ, ઠીક છે, એને કીધું કાલે તમારી મરજી હોય ત્યારે આવો, એ દિવસ તો ગયો. ને આ દરેક ડીલે એ ચાવીમાં ડીલે કરશે. અહીંયા જે આપણે ત્યાં ચાવીની વાત કરે ને, ટેરેસ ફ્લેટની ને ચાવીની જે વાતો કરતા હોય, એમાં ડીલે થાય. પાંચમી ડિસેમ્બર 2024 ને બદલે 6 ડિસેમ્બર 2024 થઈ જાય, પછી 12 ડિસેમ્બર 2024 થઈ જાય, એવી રીતે જે જે ડીલે થાય એ રીતે થતું જાય. આવી રીતનું પ્રોબ્લેમ. હજુ કોઈ સવાલ, સેલ્ફ રિલેટેડમાં કોઈ સવાલ હોય તો, કોઈને ફોર્સ નથી, બિલ્ડર થ્રુ કરવું હોય તો બિલ્ડર થ્રુ જ કરશું, પણ 100 કરોડનો પ્રોજેક્ટ લેવા માટે આજની તારીખે કોઈ બિલ્ડર માર્કેટમાં નથી. એટલે ટેન્ડર પાછું તમે નાખશો, પાછું ન કરે નારાયણ પણ ફેલ જ જશે. સવાલ બોલો, સવાલ. સેલ્ફમાં જશું તો આપણી પાસે ઘણા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે, હિસાબ રાખશે કે કમિટી વાળા પૈસા લઈ રહ્યા છે, કોન્ટ્રાક્ટર પૈસા લઈ રહ્યા છે. આર્કિટેક્ટ બી છે જે એવો જોશે આપણને કે ભાઈ આ બિલ્ડિંગ બરોબર બની રહ્યું છે કે, ત્યાં સુધીમાં તો એ પણ પાસ થઈને નીકળી જશે. એટલે જે છે આપણે આપણા ઘરના છોકરાઓ જ બનાવશે, એમાં કઈ ઓલું નથી. અમને ભગવાન ભરપૂર આપે છે એટલે માતૃભાષામાંથી ઘર સિવાય અમારે બીજું કઈ જોઈતું પણ નથી. બીજો કોઈ સવાલ કોઈને કઈ? હા, લઈ લો બિંદા. 11 કમિટી સુધી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. કોણ કોણ? હા, તો વસ્તુ પરિસ્થિતિ સિમ્પલ છે, કામ બહુ મોટું સામે ઉભેલું છે, પેન્ડેમિકે અચ્છા અચ્છાની કમર તોડી નાખી છે. કામ અમારે બી હોય છે, અમારી બી ફેમિલી રાહ જોતી હોય છે, અમારી ફેમિલીને બી કોવિડથી અમારે બચાવવાના હોય છે, અમે બહાર જઈને આવ્યા એટલે. પણ અમે માનીએ છીએ કે આ 61 મેમ્બરની જે ફેમિલી છે એ જ અમારું ફેમિલી છે, અમારા એક્સટેન્ડેડ ફેમિલી કહી શકીએ, 6 માણસનું મારું પર્સનલ ફેમિલી સિવાય. એવી રીતે અમે 5 જણ મળીને કામ કરી રહ્યા છીએ. સંજયભાઈની તબિયત આજે 1.5-2 વર્ષથી ખરાબ છે, પણ તોય મેન્ટેનન્સ મોબાઈલ એટલીસ્ટ ટાઈમ પર મોકલવાની કોશિશ કરે છે. એન્ડ વી આર કન્ટિન્યુઈંગ. તો વસ્તુ પરિસ્થિતિ એટલી છે કે થોડોક એમ નહીં વિચાર કરો કે આ 5 જણ દોડે છે ને આપણને ચાવી મળી જશે. આ ચાવીનો પ્રશ્ન બહુ મોટો છે અને પાછળ શું જાય છે જોતા નથી. તમને એક સિમ્પલ બીજું એક ઉદાહરણ આપું. 1974 આયોડી આ 3 બિલ્ડિંગ કેવી રીતે પ્લાન થયેલા અને કેવી રીતે બન્યા એ ડોક્યુમેન્ટ આજ સુધી અમને 6 વર્ષમાં મળ્યા નથી. મનોહર મોરે એ ડોક્યુમેન્ટ શોધી કાઢ્યા અને એમાં રોડ વિશે અને એન્ક્રોચમેન્ટ વિશે ક્લિયર લખેલું છે 1974. અને બીએમસીમાં અમે જઈને મળ્યા અને એટલે કીધું કે ઠીક છે, તમે તમારું પ્રપોઝલ નાખો પ્રોવિઝનલ રોડ લઈને, વી વિલ અપ્રુવ 70 મીટર. એટલે સદનસીબે આપણને કન્સલ્ટન્ટો બી એવા મળે છે જે લોએસ્ટ કોસ્ટમાં સારામાં સારું કામ કરે. આજ સુધી એ માણસે એકે પૈસો નથી દીધો અમારી પાસે અને હજુ એની ફીસ બી અમારી સાથે નક્કી નથી. અમે લોકો 7 જણ ગયા હતા, 6 જણ ગયા હતા એને મળવા, ને 6 જણ ગયા હતા ને એને અમે રેન્જ આપેલી છે કે આટલું જ અમારું બજેટ છે, એનાથી વધારે અમે નહીં કરી શકીએ. અને આઈ થિંક સો એજીએમમાં કોઈ સવાલ કરેલો કે ટેન્ડરના જે 1.25 લાખ પૈસા છે એનું શું કરવાનો છે, એ ખર્ચી નાખો, એ અમે બજેટ એને આપેલું છે કે આ ટેન્ડરના પૈસા પૈસા છે એ તારા, એનાથી વધારે અમારાથી નહીં ખર્ચે. કુદરતી સંકેત બી એવા થાય છે કે ભાઈ સારો કન્સલ્ટન્ટ આપણને ઓછા ભાવે કામ કરવા મળી જાય છે, પણ મેમ્બર જ જો કામ નહીં કરે તો આ વસ્તુ સ્થિતિ નહીં થાય. હવે ભાવિકને કેટલા 6 નામ મળ્યા ને હમણાં? 6 નામ મળ્યા છે. વી વિલ અનાઉન્સ ઇટ ઇન નેક્સ્ટ કમિટી મિટિંગમાં, એક સર્ક્યુલર પછી મોકલાવી દઈશું અને વી વિલ એન્શ્યોર કે એમાં લેડીઝ બી છે. આ બે હા, એક દક્ષામાસી હતા, એક આ સોનલભાઈ હતા, એક આ જોતિયાસી નીલા બેન કા, એક હા જોતિયાસી ને એક નાવન કા. તું બોલા નાનો લગા, હા ઠીક છે, આ લોકોને બધાની સાથે મળીને ગ્રુપ બનાવી દો. હા ના બોલે, હા ને તો આપણા કમિટી ગ્રુપમાં એડ કરી દો આ બધાને. હા, કમિટી ગ્રુપમાં એડ કરી દો બધાને. પણ એક વસ્તુ છે, તમારા ઘરે પાણી નહીં આવ્યું એ જો ગ્રુપમાં નાખ્યું ને ત્યારે ગ્રુપમાંથી કાઢી નાખ્યું. તમારા ઘરે કચરો નો ઉચકાયો તોય જો ગ્રુપમાં નાખ્યું તોય કાઢી નાખીશ ત્યારે. ના ના ભાઈ, અમારી સાથે થયું છે, અમે વગર અનુભવે કોઈ વસ્તુ નથી બોલતા, અમે વગર અનુભવે કોઈ વસ્તુ નથી બોલતા. બે અમારી રિક્વેસ્ટ એટલી જ છે, ત્યાં સોસાયટી
તો સોસાયટીનું કામ જ ડિસ્કસ થાય. મારા ઘરે ટાઇલ્સ પડી ગઈ કે મારા ઘરે પાણી ન આવ્યું, એ વસ્તુ આપણે અલગથી ડિસ્કસ થઈ શકે છે. પણ બધા તમારા જેવા નથી હોતા ને, શું કરીએ, ઓછા લોકો શીખે તમારી પાસે. પહેલા ઇન્ક્વાયર કરો. હા, એટલે વસ્તુ પરિસ્થિતિ શું છે કે કામ કરવાની સખત જરૂર છે. છ છ સાત સાત જગ્યાએ જાય છે. હજુ તો બીએમસીમાં ફાઇલ જયારે નાખશું ને, હવે પ્લાન એ રીતનો છે કે આપણે એફએસઆઈ આપણા દમ પર જય માતૃ આશિષ કોઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટી એપ્લાય કરશે. અને જે 2.5 ની એફએસઆઈ ગણીને આપીને, એ 2.5 ની એફએસઆઈ સોસાયટી એપ્લાય કરશે, જેને હિસાબે 110,000 સ્ક્વેર ફૂટનું કામ એ એફએસઆઈ લીધું. એનો બહુ ઓછો મામૂલી ખર્ચો છે, 12-15 લાખનો જ ખર્ચો છે. એ ખર્ચો થઈ ગયા પછી એની આયોડી બિલ્ડર લેશે. એટલે એ અમારી ઈચ્છા છે. હજુ તો એના માટે એસડીએમ બોલાવશું, એસડીએમમાં મેમ્બર પાસ કરશે તો કરશું, કે અમારા બાપાની સોસાયટી નથી, અમને ખબર છે. પણ એ થઈ ગયું છે તો શું થશે, જે બિલ્ડર આવશે ને એને વસ્તુ રોડ ક્લિયર મળશે. એ આપણને પછી ગોળ ગોળ નહીં ફેરવે, ના ના હું શું એફએસઆઈ લાવું, પછી જોઉં, પછી તમને અત્યારે 10% આપું, આગળ વધારે મળી ગયું તો 15% આપીશ, અત્યારે કોર્પસ 500 રાખી લો, પછી 500 બીજા આગળ વધારીશ, એવી માથાકૂટો ન થાય. એને શ્યોર શોટ ખબર પડશે કે હું આ વસ્તુ બનાવવાનો છું, અને આ બનાવ્યા પછી આટલા આપ્યા પછી મને આટલું વેચવા મળશે. દેટ ઇઝ વોટ ધ આઈડિયા. અત્યારે એ પ્લાન ચાલે છે. બે કન્સલ્ટન્ટો સાથે બે રીતનું જ કામ કરી રહ્યા છે કે આ જો રોડ ક્લિયર થાય ઇમિડિયેટલી વિલ ગો ફોર. એટલે એની સાથે જે ડિવિઝનલ એન્જિનિયર કહેવાય બીએમસીનો, જે અંધેરીથી લઈને દહીસરના બિલ્ડિંગો અપ્રૂવ કરે, મિસ્ટર કુંતા કરીને છે, એની સાથે આપણી મિટિંગ પણ થઈ ગઈ છે. એમાં હું, ઝુબિન, વિરલ, એમ લોકો ગયા હતા મનોહરજી સાથે, એની સાથે ડિસ્કશન બી થઈ ગયું. બીજો કોઈ સવાલ કોઈને? પણ આજે થોડું ખુશી બી થઈ દુઃખ સાથે કે ભાઈ 6 માણસો આગળ આવ્યા, 6 લેડીઝ પણ આવ્યા, એટલે ઘણો ઘણો આભાર. કોઈ સવાલ? કોઈ સવાલ? હા, દુઃખ ખાલી છે. આ દુઃખ થયું, 2 માણસ રિઝાઇન કરી ગયા. એટલે અમારે 9 વર્ષના ટ્રેક રેકોર્ડમાં હજુ સુધી કોઈ મૂક્યું નથી અમારી સાથે એવું. બીજું કોઈ? તો થેન્ક યુ વેરી મચ. આજની સાથે મીટિંગ પૂરી કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ ટાઈમ પાછું કંઈક નવું લઈને આવશું. થેન્ક યુ.